लोगों के काफी सारे डाउट्स हैं, काफी उनके शक शुबा हैं, उसको क्लियर करने के लिए मैं आपके माध्यम से जम्मू डिस्ट्रिक्ट की पब्लिक को ये बोलना चाहता हूँ कि जो हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं ये उनके भले के लिए है और ये बिल्कुल एक्यूरेट मीटर्स हैं। लोगों के डाउट्स हैं, जैसे मिथ है कि ये मीटर तेज चलते हैं, हमने उसको उस चीज को क्लियर करने के लिए ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये मीटर्स हाईली एक्यूरेट मीटर्स हैं। 0.0001% इसमें एरर के चांसेस हैं। और अब हमने हर सब डिवीजन में अपने चेक मीटर्स रख दिए। जो चेक मीटर्स वो हैं जो मीटर्स अगर किसी को डाउट है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एप्लीकेशन देगा कि मुझे शक है मेरा मीटर तेज चल रहा है, अकॉर्डिंगली उसके घर पे हम एक और मीटर लगा देंगे, एक नॉर्मल मीटर जो स्मार्ट मीटर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाएंगे और हम दो दिन उसको वॉच करेंगे और देख लेंगे कंज्यूमर के सामने उसकी रीडिंग और उसकी रीडिंग बराबर आती है। और इससे जो भी लोगों को डाउट है कि ये मीटर तेज चलते हैं, ये एक्चुअल में तेज नहीं चलते, ये जो एक्चुअल रिकॉर्ड करते हैं, पहले जो मीटर थे वो भी एक्चुअल रिकॉर्ड करते थे, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट थे, मगर उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस थी। हमारा आदमी जाता था, रीडिंग लेता था और फिर वो आता था, उसमें कई बार गलती लग जाती थी या कई बार वो गलत रिकॉर्ड करता था। ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं इनमें ह्यूमन इंटरफेस बिल्कुल नहीं है, इसमें इसने ऑटोमेटिकली मीटर रीडिंग हमारे डाटा सेंटर में भेज देनी है और डेली बेसिस पे भेजेगा। और हर कंज्यूमर, उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हर कंज्यूमर अपने मोबाइल पे अपनी आईडी डाल के अपनी रोज की रीडिंग चेक कर सकता है कि मेरी आज की कंजप्शन 3 यूनिट है, आज की कंजप्शन 10 यूनिट है। क्यों 10 यूनिट है? मैं 3 करना चाहता हूं तो कम इस्तेमाल करें बिजली तो 3 हो जाएगी। अकॉर्डिंगली वो देख सकता है कि मेरी हर रोज बिजली कितनी कंज्यूम हो रही है। नंबर 2, हमने सारे सब डिविजन्स में हफ्ते में 3 बार ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 11 बजे से लेके 1 बजे तक हमारा स्टाफ रहेगा। जिसको भी कोई डाउट है स्मार्ट मीटर्स का स्पेशली, बिकॉज बाकी दिन और भी बड़े काम होते हैं, तो वो उनकी स्मार्ट मीटर्स की प्रॉब्लम्स को देखेंगे। मेरी जनता से यही अपील है कि जो लोग इसको गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटर्स ज्यादा बिजली शो कर रहे हैं, कंजप्शन ज्यादा शो कर रहे हैं, वो लोग अपने हमारे ऑफिस में आए, चेक मीटर लें, हमारा आदमी जाएगा, चेक मीटर लगाएगा, एक्शन साहब को एप्लीकेशन दें, क्रॉस चेक करेंगे, उससे ठीक हो जाएगा, उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी लोगों के घरों में मैं कंज्यूमर्स को बोलना चाहता हूँ कि पुरानी अप्लायंसेस लगी होती हैं जो पावर कंज्यूम ज्यादा करती हैं, नॉन स्टार रेटेड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगी होती हैं, वो हटाएं, स्टार रेटेड लगाएं, जिससे उनकी कंजप्शन कम होगी। जिस कमरे में बैठते हैं उसी कमरे में एसी चलाएं, एसी का टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री 26 डिग्री रखें, साथ में फैन चलाएं, कूलिंग ज्यादा होगी। अगर आप स्टार रेटेड यूज करते हैं तो वो भी उससे एफिशिएंसी होगी और पावर कंजप्शन जो है वो कम होगी। हीटर मत इस्तेमाल करें, जिस कमरे में बैठे उसी कमरे में इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, बाद में बाहर जब निकलते हैं तो उसको ऑफ कर दें, आपकी कंजप्शन अपने आप डाउट कम हो जाएगी। और जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि ये मीटर फास्ट चलते हैं, उनकी बातों में नहीं आए, डिपार्टमेंट के साथ साथ दें। और जिसको भी अपनी रीडिंग चेक करनी है वो अपनी ऐप हमने यहाँ पर प्रिंट करके रखी हुई है, ये हमारा है jpdcl.co.in स्मार्ट मीटर्स, इसको लॉग इन करें, इसमें अपनी आईडी डालें और उसमें उनको अपनी कंजप्शन पता चल जाएगी, बिल भी पता चल जाएगा, सारी रीडिंग आ जाएगी। इसके अंदर, इस स्मार्ट मीटर में आपको इतने सारे फीचर्स हैं कि आप हर रोज का बिल देख सकते हो, ऑनलाइन आप बिल पेमेंट कर सकते हो, अपनी कंजप्शन चेक कर सकते हो, अपनी कंजप्शन जब आपकी बढ़ेगी तो आप कंट्रोल कर सकते हो बाय स्विचिंग ऑफ योर अननेसेसरी अप्लायंसेस। जो पुरानी आपकी मोटरें हैं उनको रिप्लेस कर लीजिए अगर वो बड़ी पावर ज्यादा पावर खाती हैं।
अब कई लोग बोलते हैं कि हम घर पे भी नहीं होते हैं मगर हमारा मीटर चलता है, उसके लिए जो आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है वो कंटिन्यूसली पावर कंज्यूम कर रहा होता है, जो आपका फ्रिज है वो कंटिन्यूसली पावर कंज्यूम कर रहा होता है। अगर आपका इन्वर्टर और फ्रिज भी नहीं है, बंद है, तो भी जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो भी पावर कंज्यूम करता है। अगर आप घर पे नहीं है, बाहर जा रहे हैं हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, तो बिल्कुल मीटर से जो लाइन आ रही है वो, उसके बाद जो मेन स्विच है उसे ऑफ कीजिए, आपकी कंजप्शन जीरो रहेगी एज लॉन्ग एज दैट स्विच इज ऑन। और इसके बारे में और कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे एसी साहब है यहाँ पे, ये भी एसी साहब है, ये हमारे आईटी के इंजीनियर है, सारी टीम बैठी हुई है। तो बताइए आप, देखिए सर ऐसा है, जिस मीटर का आपको 1000 रुपया बिल आता था वो एक स्पेसिफिक रीडिंग के हिसाब से आता था। हम ये कह रहे हैं कि जो पुराना मीटर और स्मार्ट मीटर दोनों की एक्यूरेसी में कोई अंतर नहीं है, उसके लिए हम आपको चेक मीटर लगा के देने के लिए तैयार हैं। जो भी कंज्यूमर जहां से सेटिस्फाई नहीं है नए मीटर से, वो हमारे पास आए, हम उसको चेक मीटर लगाएंगे। अगर जितनी रीडिंग उसमें आएगी उसका ही हम पैसा मांगेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं मांगेंगे। तो चेक पब्लिक प्लस करेगी उसपे चेक, मैं सर मैं वही कह रहा हूँ ना, पब्लिक प्लस करेगी सर जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं। आप एक आराम से मेरी बात सुन लीजिए, उसको ट्रस्ट करने के लिए हमारे पास क्लास, जो वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग लैब है हमारी, जो हमारी टेस्टिंग लैब है, उस स्टैंडर्ड की लैब जो है ना, वो आपको पूरे इंडिया में शायद नहीं मिलेगी। जिसको भी कोई दिक्कत है, आप में से कोई भी आदमी हमारे पास आए, हम उसको स्मार्ट मीटर, चेक मीटर जो हम लगा रहे हैं उसकी एक्यूरेसी वहां पे हम आपके सामने टेस्ट करके देंगे। और जितनी रीडिंग स्मार्ट मीटर में आ रही है, जितनी रीडिंग हमारे चेक मीटर में आएगी, हम आपको उसी हिसाब से पैसे लेंगे। कुछ लोग मेरी बात खत्म होने दीजिए। देखिए अब इसमें एक चीज और आप कह रहे हैं, 1000 बिल आ रहा था, 5000 बिल आ रहा है। भाई साहब ऐसा है, 5000 बिल जब आएगा, अब इस वक्त हमारा ह्यूमिड मौसम चल रहा है, एसी का मौसम चल रहा है, इस वक्त हो सकता है 5000 आए। अभी एक मिनट आप मेरी पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद उसके बाद जब ये मौसम अभी आएगा ना दिवाली के आसपास, हमारा लोड बिल्कुल कम हो जाता है, जिसका 5000 आ रहा है ना अभी, वहां पे आपका 1000 से कम भी आएगा। तो तब आप नहीं कहोगे कि पहले 5000 आ रहा था अब 1000 आ रहा है, अब क्यों कम आ रहा है। जब ज्यादा आएगा, ज्यादा तभी आएगा जब मीटर ज्यादा बताएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं पब्लिक को, हम किसी कंज्यूमर को ये नहीं कहते कि भैया जो मीटर पे आ रहा है उसके, हम तो उसी हिसाब से पैसा मांग रहे हैं, हम उससे ज्यादा पैसा नहीं मांग रहे। और अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि स्मार्ट मीटर में ज्यादा तेज चल रहा है, उसके लिए हम सेटिस्फाई करना हमारा काम है, और उसके लिए जिसको भी सेटिस्फेक्शन चाहिए आप अपनी एक टीम बना के आ जाइए, हम आपको कुछ लगाएंगे। सर चेक मीटर की जगह हम डिजिटल मीटर ही लगाएंगे, चेक मीटर की जगह स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, चेक मीटर यहाँ पे लगाएंगे, वो एक पुराना मीटर होगा, डिजिटल मीटर होगा, नॉर्मल डिजिटल मीटर होगा, और उसको हम लगाएंगे, उसको कंज्यूमर भी वॉच कर लेगा, एक इनिशियल रीडिंग, बात खत्म होने दीजिए, उसको हम ऐसा करेंगे, कंज्यूमर की सील साइन करके पेपर की सील लगा देंगे, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी उसको साइन करेगा, कंज्यूमर भी साइन करेगा, और उस साइन के बाद 2 दिन के बाद हम देख लेंगे किसकी रीडिंग का अंतर है।